के न्यूज चैनल की तरफ से नमस्कार। बेटमा पुलिस ने रंगों हाथों एक आरोपी को पकड़ा जिसके पास से एक देसी कट्टा व जिंदा कस्तूर मिला। उप निरीक्षक श्री बिहारी सांवरे ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सोसाइटी काली बिल्लोद में एक व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में खड़ा है। सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर बिहारी सांवरे और उनकी टीम ने आरोपी को पकड़ा और उसकी तलाशी ली। उसकी कमर में एक जिंदा कारतूस और देसी कट्टा था। जब्त करके बेटमा थाने लाए गए। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम संजय उर्फ पप्पू भानगढ़ थाना जिला देवास का होना बताया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है और कई खुलासे हो सकते हैं। आसपास थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में काली बिल्लोद रोड पर खड़ा है और उसके पास अवैध हथियार होने की संभावना है। इस सूचना पर मैं हमरा थाने के फोर्स एएसआई सिसोदिया अजीत सिंह पवार व मैं स्टाफ के वहां पर पहुंचा और उक्त सस्पेक्ट व्यक्ति को हम लोगों ने घेराबंदी कर पकड़ा और उसका नाम पता पूछते तथा उसकी तलाशी लेते उसके कमर में जिंदा रावण के 12 बोर का कट्टा मिला। उसको लाने के संबंध हमने पूछताछ करते तो गुमराह करने लगा तथा ये इसका नाम है क्या नाम अपना संजय उर्फ पप्पू पिता बाबूलाल पटेल हाथी समाज का है जो काली बिल्लोद में अभी वर्तमान में निवासरत है जो कि भानगढ़ थाना बरोठा जिला देवास का रहने वाला है जो विगत करीबन 6-7 दिन निवासरत है किराए से और इसके बाद और भी अवैध हथियार मिलने की संभावना है। सर ये पूछताछ में अभी क्या पता चला किसको बेचने आ रहा था क्या? नहीं बेचने नहीं आ रहा है अभी कुछ बरगला आ रहा है पुलिस को तो हम हिम्मत अमली से पूछताछ कर रहे हैं और इसका पुलिस रिमांड लेंगे उसके बाद ही आगे कार्रवाई और करें। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।